हेलो गाइस, हम बात कर रहे हैं पग पपी। तो गाइस, अगर आप एक पग पपी लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को कुछ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि पग पपी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा और किस टाइप का डॉग ब्रीड है, उसका नेचर कैसा है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और गाइस, पर मंथ उसका कितना कॉस्ट दिया जाता है और गाइस अपने इंडिया में उसकी प्राइस क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल डॉग लवर 542 पे। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। और गाइस, वीडियो में आप लोग लास्ट वीडियो थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग इन्फॉर्मेशन मिस कर सकते हैं। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं पग पपी जो बहुत ही छोटी डॉग ब्रीड होती है, गाइस टॉय डॉग ब्रीड होती है। तो गाइस, पग पपी की जो कोट एंड कलर की बात की जाए तो टोटल ब्लैक में होते हैं और ब्राउन एंड ब्लैक फेस में आते हैं, बस दो ही कलर आते हैं। तो गाइस, पग पपी का ओरिजिन चाइना से है। और गाइस, जो पग पपी की हाइट होती है वो 10 टू 15 इंच तक होती है। और गाइस, जो पग पपी की वेट होता है वो 10 से 15 केजी तक होता है। और गाइस, पग पपी बहुत ही छोटी डॉग ब्रीड होती है और बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है। तो गाइस, अगर आप एक पग पपी लेना चाहते हैं, अगर आप एक छोटे घर में हैं तो पग पपी ले सकते हैं। अगर आप एक फर्स्ट डॉग ब्रीड हैं तो पग पपी ले सकते हैं, जो बहुत ही छोटी डॉग ब्रीड होती है और बहुत ही एक्टिव होती है। आप लोग देखते हैं हमेशा पग पपी हमेशा प्लेइंग करते रहते हैं, बार्किंग करते रहते हैं, जो बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप लोग अपने घर में छोटे छोटे बच्चे हैं फिर पग पपी आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, थोड़ा भी एग्रेसिव नहीं होते हैं। तो गाइस, पग पपी बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो गाइस, पग पपी की अगर आप लोग इसको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिलवा देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाते हैं। और गाइस, पग पपी से आप लोग थोड़ा भी गार्डिंग का उम्मीद ना करें, बहुत ही छोटी होती है इसलिए वो सब गार्डिंग वार्डिंग नहीं करते हैं, बस प्लेइंग के लिए, बस टॉय डॉग ब्रीड, जैसे कि फैमिली मेम्बर में उसको छोटे छोटे बच्चे उन सब के साथ प्लेइंग करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा बच्चे के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। तो गाइस, सो गाइस, जो पग पपी का लाइफ ड्यूरेशन होता है वो 13 इयर्स टू 15 इयर्स तक होता है। और गाइस, पग पपी की प्राइस अब बात करें तो गाइस, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का पग पपी लेना चाहते हैं तो पपी लेने से पहले आप पपी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें कि पपी किस क्वालिटी का है, पपी प्लेइंग कर रहा है, पपी ज़्यादा आलसी तो नहीं है। तो गाइस, पपी की प्राइस की बात की जाए तो पपी की प्राइस आपको अपने इंडिया में 13 to 18,000 तक मिल जाता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। तो गाइस, अब हम बात करें इसकी जो फूड होता है। तो गाइस, अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का अगर डॉग फूड उसको देते हैं लाइक ए प्रो पेडिग्री, तो गाइस आपको पड़ जाता है 300 से 350 के बीच। अगर गाइस एक आप स्टैंडर्ड क्वालिटी का डॉग फूड देते हैं लाइक ए रॉयल कैनल, तो गाइस आपको पड़ जाता है 400 से 450 के बीच। तो गाइस, अब बात की जाए डिवॉर्मिंग के, तो गाइस हर एक डॉग की डिवॉर्मिंग सेम होती है 50 से 100 रुपए के बीच। और गाइस, बात की जाए जो वैक्सीन होता है, तो गाइस हर एक डॉग की वैक्सीन सेम होती है, आपको पड़ जाता है वैक्सीन 600 से 700 के बीच में पड़ जाता है। तो गाइस, अगर सारी एडिशनल करके बताया जाए तो आपको पर मंथ उसका जो खर्चा आ जाता है, आप अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का डॉग फूड देते हैं तो आपको पड़ जाता है 4000 से 4500 के बीच। तो गाइस, प्रीमियम क्वालिटी देते हैं तो पड़ जाता है आपको, जैसे कि रॉयल कैनल देते हैं तो गाइस आपको पड़ जाता है 5000 से 5500 के बीच। सो गाइस, आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।